हेलो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन हियर इट इज इन 1981 द आर वैल्यू फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन इन इंडिया वाज 0.0205 व्हाई इज इट एन इम्पोर्टेंट पैरामीटर सो हियर सबसे पहले हम लोग की कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं और की कंसेप्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर जो आर है ठीक है आर होता क्या है आर इज अंट्रेंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज ठीक है अब यहां पर हमें देखना है कि ये इम्पोर्टेंट क्यों होता है Why it is क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है इट इज वन ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिकेटर ठीक है ये पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिकेटर होता है द आर वैल्यू जो होती है ना ठीक है ये क्या इंडिकेट करती है बेसिकली इसको हम लोग स्मॉल आर से डोनेट कर लेते हैं ठीक है आर वैल्यू जो है ये बताती है वेदर पॉपुलेशन जो है ठीक है वो इंक्रीज कर रही है या वो स्टेबल है या फिर वो डिक्रीज कर रही है ठीक है अगर तो वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है पॉजिटिव आर वैल्यू क्या कर बताएगी ग्रो हो रही है मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है अगर यही नेगेटिव होगी वैल्यू तो ये हमें क्या बताएगी That population कर रही है। और अगर इसकी वैल्यू जो है वो होगी जीरो तो वो बताएंगे कि ये स्टेबल है तो ये एक तरह का टूल होता है जिससे हमें ये पता लगता है वेदर द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और स्टेबल होप इट इज क्लियर ऑल द बेस्ट